आज रणजीत सिंह के बारे में डिस्कशन करते हैं, कहाँ के रूलर थे। बहुत इजी क्वेश्चन है, लेकिन हाँ इजी उन्हीं लोगों के लिए है जिन्होंने ये पढ़ रखा है, तो चीजें वहीं पे ही आसान होती है हमारे लिए अगर हमने ऑलरेडी प्रैक्टिस करी होती है। अदरवाइज नहीं होती है, और उससे सीखने के लिए भी यहाँ पर आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है। तो अगर नहीं पता है इस क्वेश्चन का आंसर भी तो भी कोई बात नहीं, क्योंकि अब आपको पता चल जाएगा और ये जो चीज अभी तक डिफिकल्ट थी आपके लिए वो इजी हो जाएगी। क्योंकि यूपीएससी के अंदर हमें करना क्या है, ऑल द थिंग्स विच आर डिफिकल्ट फॉर अस, क्योंकि जब हम नई नई तैयारी शुरू करते हैं तो सारी चीजें ही डिफिकल्ट होती है। हिंदू पढ़ना भी डिफिकल्ट होता है, सुबह जल्दी उठ के पढ़ाई करना भी और रात तक पढ़ाई करना भी मुश्किल होता है, आंसर राइटिंग भी मुश्किल होता है और रिविजन भी मुश्किल होती है। लेकिन द मोर यू डू इट द इजियर इट विल बिकम, जितना ज्यादा आप करते रहेंगे ना। और ये चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, जितनी चीजों से आपको डर लगता है ना वो तो करिएगा ही। तो बेसिकली अगर आपको आंसर राइटिंग से डर लगता है तो उसे जरूर करिएगा, अगर आपको लगता है कि मुझे मॉक टेस्ट से डर लगता है तो वो जरूर करिएगा, क्योंकि जितनी ज्यादा आप चीजें जिनसे डर लगता है वो करते जाएंगे तो वही जो चीज है डर के आगे जीत है वो चीज आपको दिखाई देनी शुरू हो जाएगी। महाराजा रणजीत सिंह की बात करें तो यस करेक्ट आंसर इज सी, पंजाब इज द करेक्ट आंसर। 9 फुट टॉल ब्रॉन्ज स्टैचू जो इनका था पाकिस्तान के अंदर, उसे यहां पे वेंडलाइज किया गया, जिसकी वजह से न्यूज आई और यहां पर हमने इनके बारे में और भी चीजें यहां पे समझने की कोशिश करी। महाराजा रणजीत सिंह जो हैं ब्रिटिशर्स के टाइम पे इनकी आर्मी को सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट आर्मी माना जाता था ब्रिटिश के बाद, नेवी भी काफी स्ट्रॉन्ग थी और यहां पे एक संधि करी गई थी, देयर वाज अ ट्रीटी व्हिच वाज कंडक्टेड बाय महाराजा रणजीत सिंह एज वेल एज द ब्रिटिशर्स, एंड द ट्रीटी वाज अबाउट कि कितनी लैंड के ऊपर महाराजा रणजीत सिंह रूल करेंगे, कितनी लैंड के ऊपर ब्रिटिशर्स रूल करेंगे, एंड द नेम ऑफ द ट्रीटी वाज ट्रीटी ऑफ अमृतसर, जिसके हिसाब से सतलुज रिवर जो थी, सतलुज के जो वेस्टर्न रीजन था वो महाराजा रणजीत सिंह को दे दिया गया था और इनका ईस्टर्न साइड जो था वो ब्रिटिश टेरिटरी के अंदर आ गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। चलते हैं यहां से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट टॉपिक को देखते हैं।